घर पे इतने अच्छे छेना बनते हैं, फिर भी हम मार्केट से लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं बनते। तो आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि छेना परफेक्ट नहीं बनते। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। आप देख सकते हैं छेना में कितनी अच्छी जाली बनी है और अंदर तक चाशनी भरी है। तो आज की छेना की रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से सभी टिप एंड ट्रिक के साथ लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के मुर्गी छेना की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दूध लेना होगा छेना बनाने के लिए। तो यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया है, बफेलो मिल्क, आप काउ मिल्क भी ले सकते हैं। तो सभी कहते हैं कि काउ मिल्क में अच्छा बनता है, आज हम बफेलो मिल्क से बना रहे हैं। पहले हमने दूध को गर्म कर लिया था, उसके बाद इसकी मलाई हटा दी है। अब दूध को फिर से गर्म करेंगे, उबाल आने तक हमें गर्म करना है। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है, उसके बाद हमने हल्का ठंडा कर लिया है। आधा चम्मच टाटरी को हमने 1 गिलास पानी में घोल लिया है। इस टाटरी को सैट्रिक एसिड भी बोलते हैं, घोल लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सैट्रिक एसिड नहीं है तो वाइट विनेगर है, उसे ले सकते हैं। और वो भी नहीं है तो नींबू से इसे फाट सकते हैं। तो नींबू का रस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हमारा दूध फट जाएगा। तो इधर हमने सैट्रिक एसिड लिया था, उसे 1 कप पानी में घोल लिया था, आधा चम्मच। तो उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और थोड़ा चलाएंगे। तो इसी तरह से हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा। जब दूध अच्छे से फट जाए उसके बाद हमें ये पानी डालना बंद कर देना है। तो यहाँ देखिए, दूध अच्छे से फट गया है। उसके बाद हमने 1 गिलास पानी इसमें और डाला है। उसके बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ना है। उसके बाद इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेनर लगाएंगे, उसमें एक कपड़ा रखेंगे और सभी छेना को निकालेंगे, इस तरह से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी दूध फाड़ें तो ज़्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए, इससे हमारा छेना बहुत ही सख्त बनता है। इससे हमारे छेना के रसगुल्ले हैं वो फूलते नहीं हैं। और ये हमने छेना सभी कपड़े पे निकाल लिया है। उसके बाद 2 से 3 बार इस पर पानी डाल देंगे, जिससे ये इसकी खटास निकल जाएगी। और इस तरह से कपड़ा उठाएंगे और थोड़ा निचोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं निचोड़ना है। ज़्यादा निचोड़ देंगे तो छेना हमारा सूखा सूखा हो जाएगा। निचोड़ते निचोड़ते कुछ वाइट सा पानी निकलने लगता है, बस इतना ही निचोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे। तो उसके बाद हमें छेना या पनीर को निकाल लेना है एक परात में। तो इस तरह से हथेली से इसे मसल के चिकना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हथेली से हमें मसलना है इस तरह से। 4 से 5 मिनट में हमारा छेना तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं इसे मिलाना है, नहीं तो हमारे छेना नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, छेना हमारा अच्छे से मिल गया है, इकट्ठा होने लगेगा, बस हमें इतना ही मसलना है। तो इसे इकट्ठा कर लिया है, अब हमें इसमें सामान ऐड करने हैं। तो यहाँ ले लिया है हमने 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं। तो 1/2 चम्मच लिया है हमने सूजी और 1 चम्मच लेंगे मैदा। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। 1 लीटर दूध में हमें इतना ही सामान चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं तो आपके छेना एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब इसे मिला लिया है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें से छेना लेंगे और एक बॉल बना लेंगे छोटी सी। तो हम छोटे वाले छेना बना रहे हैं इसलिए हमने छोटी बॉल बनाई है। अगर आप बड़े छेना बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ये बॉल बना सकते हैं। तो इसी तरह से सभी छेना बना के हमें तैयार करने हैं। तो सभी छेना बना के हमने तैयार कर लिए हैं, अब चाशनी बनाएंगे। तो एक कढ़ाई रख लें इस तरह से चौड़े तले की, उसमें 3 कप हमने चीनी ऐड की है। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा भी चाशनी बना सकते हैं, कम नहीं बना सकते, इससे कम नहीं बनेगी चाशनी। तो 3 कप चीनी में हमने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। चीनी से अच्छे से मेल्ट हो गई है, उसमें 1 छेना हमने ऐड किया है चेक करने के लिए फट रहा है या नहीं, परफेक्ट बनना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी छेना फटा नहीं है, तो हमारे छेना परफेक्ट बनेंगे। तो अब क्या करना है, जो छेना बनाया था, दूध फाड़ा था, वही पानी हमें इसमें 1 चम्मच ऐड करना है, इससे इसमें बबल्स बनेंगे। हमारे पास रीठा नहीं होता है, क्योंकि हलवाई रीठा ऐड करते हैं तो थोड़े बबल्स बनने लगते हैं, तो ऊपर तक हमारे छेना सिक जाते हैं। तो अब हमें इसमें सभी छेना ऐड करने हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बबल बनने लगे हैं। तो सभी छेना हमने ऐड कर दिए, अब इसे ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट इसी तरह से हाई फ्लेम पर। फ्रेंड्स, हमें पकाना है।
अभी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो हाई फ्लेम से 2 से 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है क्योंकि चाशनी गाढ़ी हो गई है। तो पानी किस तरह से लेंगे, एक करछी में इस तरह से पानी लेंगे और चाशनी के ऊपर हल्के से थोड़ी देर करछी रखेंगे और ये गर्म हो जाएगा पानी। उसके बाद पूरे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फैला देंगे। तो इस तरह से हमें पानी इसमें ऐड करना है। तो 1-2 मिनट बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो टोटल हमने 10 मिनट पकाए थे छेना और छेना हमारे बनके तैयार हो गए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स छेना परफेक्ट बन गए हैं। तो चेक कैसे करेंगे, इस तरह से चम्मच में उठाएंगे, छेना नीचे बैठ जाते हैं। तो अच्छे से फूल के छेना तैयार हो गए हैं। आप क्या करना है, हमें गैस को कर देना है बंद, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसे 5 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पे, जिससे हमारी चाशनी अंदर तक छेना में भर जाएगी। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या गुलाब जल डाल सकते हैं इसमें खुशबू के लिए। तो हमने 2 घंटे बाद चेक किए हैं फ्रेंड्स, 5 घंटे तक ये रसगुल्ला छेना एक भी नहीं बचते, इसलिए हमने 2 घंटे बाद ही चेक किए हैं। छेना देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे फूल गए हैं और अंदर तक चाशनी भर गई है। अब इसे निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। तो इस तरह से सभी छेना को हम निकाल लेंगे और जितनी भी चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी और छेना हमें मिल जाएगा जिस तरह से मार्केट में मिलता है, बस उसी तरह से हम बना रहे हैं। तो सभी छेना हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा सामान और ऐड करना है, जिस तरह से हमें हलवाई की दुकान पर मिलता है बस उसी तरह से हमें मुर्गी छेना बना रहे हैं। इसीलिए हमने पिसी हुई चीनी इसमें 1 चम्मच ऐड कर दी है और 1 चम्मच कर दिया है गुलाब जल ऐड। आप चाहें तो चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे टॉस करके जितनी भी चीनी है उसे मिला देंगे। उसके बाद हमने पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी से डेकोरेट कर दिया है और थोड़े चांदी के वर्क से। तो आप देख सकते हैं कितने टेस्टी और जूसी रसगुल्ला बन के तैयार हुए हैं छेना। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप छेना बनाएंगे कभी नहीं फटेंगे और कभी आपके सख्त नहीं होंगे, अंदर तक चाशनी भरेगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चाशनी भरी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।